वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, राइट? जिसमें हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग देखा था, यूनिट्स ऑफ वर्क देखे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल साफ है, हैं? आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने जो है, दैट इज डिफाइंड कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। रेडी एवरीवन? क्या पूछ रहे ला है पट्टा? कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ए छोरा, बातें नहीं करना, बातें करेंगे तो रोड पे पकड़ के घसीटेंगे, और जब रोड पे पकड़ कर घसीटेंगे तो बताओ कैसी रोड पे घिसटना पसंद करोगे? सुन तो लो बे, या तो डंबर वाली रोड ले लो या मार्बल वाली रोड ले लो। मार्बल वाली रोड पे घसीटोगे? जब रोड पे घसीटा जाएगा तो कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। अब मैंने तुमसे पूछी काय कौन सी रोड पे घसीटोगे, तो तुमने बोला मार्बल वाली रोड पे घिसटना पसंद करेंगे, डंबर वाली रोड पे नहीं घिस पाएंगे, है ना? ये सुन रहे हो? ऐसे तो बोला ना। तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स पाथ पे डिपेंड कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अलग अलग पाथ पे अलग अलग फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं, लग रहे नहीं लग रहे? तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना? अलग अलग पाथ पे अलग अलग टाइप से लग रहा है ना? तो ये कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्व नाम का उल्टा है एक्चुअली। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड होते हैं। काय पे डिपेंड होते हैं? हाँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ऑन पाथ। कोई पूछे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, तो भैया वो फोर्स जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, फ्रिक्शन फोर्स। गॉट इट एवरीवन? बोले भैया पक्का? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं दैट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस। द फोर्सेस व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए चूतिया मेटे का अंदाज है तो शायद आप समझ जाएं। ये देख रहे हो, एक मक्खी जी रही, एक मक्खी जी रही, मक्खी लड़ रही हैं। तो बताओ, तो ये चीज पाथ पे डिपेंड कर रही है क्या? नहीं कर रही ना। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। देख रहे हो ये क्या है? ये ना, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और नवा दसवा पास करके आए हो। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्जेस हो गए, अट्रैक्शन फोर्स लगे हो। अब चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। बोले भैया, तो ये जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है, क्या वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है? तो इसका मतलब कैसा फोर्स हुआ? हाँ, कंजर्वेटिव। क्लियर है? तो किसी ने पूछ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों है कंजर्वेटिव फोर्स, समझ में आ रहा है? क्योंकि डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता नहीं है ना, जो पढ़ता नहीं है, तो उसके साथ ये बच्चा है जो पढ़ता नहीं है, ये उसके बाल हैं काले, ऐसे पकड़ लेते हैं उसको, ऐसे यूं करके यूं, क्लियर? और ऐसे यूं छोड़ देते हैं छज्जे से बाहर, टीम। जैसे ये वैसे छोड़ते हैं तो बंदा नीचे जाता, उसके बाद ऊपर जाता। खैर, फालतू बातें मत करो तुम लोग। देखो, तो जैसे ही मैंने इस बंदे को ऐसे छोड़ दिया तो ये नीचे गया, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बताओ ये फोर्स क्या पाथ पे डिपेंड कर रहा है? तो इट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स इज द, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। समझ गए? पोका, क्लियर है? तो ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे आपसे, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, दोस फोर्सेस विच डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस। कोई पूछे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, द फोर्सेस विच डिपेंड ऑन पाथ इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। करेक्ट एवरीवन? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल एक हो गया फ्रिक्शन फोर्स, एक और होता है, वो अभी आप समझ नहीं पाएंगे, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा विस्कोसिटी तब आप समझ पाएंगे। विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। विस्कस फोर्स क्या है मैं आपको बताऊं, आप ऐसे समझ लो देसी अंदाज में, गिलास ले लो, कहा ले लो, गिलास में ले लो पानी, और पानी चमचिया तो घुमा दो, चमचिया फेंकी ना ने धत दई है, तो पानी रमकन लगेगा। अब वो रमकत वो पानी जिंदगी भर रमकत रहेगा, थोड़ी देर बाद रुक जाओगे, दूसरे दिन फिर मैंने एक और बासन ले लो, बासन समझते हो क्या? बर्तन, हिंदी तो अच्छी है तुम्हारी।
अब मैंने पानी की बजाय वहां में शहद भर दो, शहद जानते हो ना, हनी, क्लियर। तो मैंने उसमें शहद भर दिया, चम्मच दर दही। अब वो शहद घूमेगा, रुक जाओ थोड़ी देर बाद, पानी ते जल्दी रुक जाओ या धीरे देते, जल्दी रुक जाओ। तो वहां पर क्या है, वो इसलिए जल्दी रुक रहा है क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी है, एक्चुअली हाँ गाढ़ापन है। कौन सा पन है? गाढ़ापन है। क्लियर है, समझ पा रहे? जब विस्कोसिटी पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में बात करूंगा। अबे सुन तो लो, लिक्विड की जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में एक फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ यू कैन से फ्रिक्शन फोर्स जैसा ही होता है, ये भी एक टेंजेंशियल फोर्स है, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। फिलहाल विस्कस फोर्स जो है, तो शहद रुक पा रहा है, जल्दी रुक पा रहा है एज कंपेयर टू पानी, तो वो कहीं ना कहीं लिक्विड के टाइप पे डिपेंड कर रहा है। तो ये भी जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बाकी का विस्कस फोर्स क्या होता है ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है सभी को? तो फटाफट कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन पावर। डिफाइन पावर चैप्टर टू में पढ़ाया था, वैसे यही क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है आपको कल। लेसन वो 11 दिए ना वाल, फिर मैं आ जाओ ये सब कछु सुना पहले। पावर क्या? पावर ये 250 ग्राम वाले पावर नान है, सब्जी मंडी में चलते थे। क्लियर, पावर क्लियर। पावर, पावर का फॉर्मूला है P बराबर W अपॉन T। पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों वर्क अपॉन टाइम। क्लियर, सुना है मैंने कि जहां पर भी टाइम का डिवाइड होता है वहां एक वर्ड आ जाता है, रेट आ जाता है, तो इसको बोलेंगे रेट। रेट बोल दिया यानी टाइम का डिवाइड हो गया। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। बोले मैंने क्या कहा बच्चों? जोर से बोलो, हाँ, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और भी डेफिनेशन आप बना सकते हो, अब आप डेफिनेशन धीरे धीरे बनाना सीखो, कब तक मेरे भरोसे रहोगे? राइट, किसी भी डेफिनेशन को जब बनाना होता है तो हम चीजों को भन 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 मान लिया करते हैं। टी बराबर भन सेकेंड रख दूंगा तो पी बराबर डब्ल्यू, समझ गए बबलू? पी बराबर डब्ल्यू अपॉन में टी की जगह वन लिखूंगा तो अपॉन में वन लिखूं, तो ऐसे बोलू डब्ल्यू क्या है? वर्क। वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो वर्क डन, वर्क डन कौन करेगा? नहीं, पावर की वजह से होगा, बॉडी करेगी। वर्क डन बाय द बॉडी, कितने टाइम में वर्क डन हो रहा है? तो डेफिनेशन को सही बना लो ना, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इन वन सेकंड इज कॉल्ड पावर। का कही? वर्क डन बाय द बॉडी इन वन सेकंड इज कॉल्ड इट्स पावर। किसी भी बॉडी द्वारा एक सेकंड में जितना वर्क डन किया जाता है उसे पावर कहते हैं। वर्क डन बाय द बॉडी इन वन सेकंड इज कॉल्ड पावर। कोई जरूरत नहीं याद करवेगी, का बोलोगे? हाँ, द वर्क डन बाय द बॉडी इन वन सेकंड इज कॉल्ड पावर। अब हम दूसरी डेफिनेशन का निर्माण करेंगे, खुद से बनाएंगे, सुनेंगे? कुछ मैं कहूंगा, कुछ आप कह देना और सिलसिला बन जाएगा। डेफिनेशन आप ही पूरी करना, शुरुआत मैं कर देता हूं। पावर इज इक्वल टू द, पूरा बोलो बे, पावर इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। हाँ, पावर क्या होती है? पावर, पावर इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इन वन सेकंड। ऑब्जेक्ट द्वारा एक सेकंड में जो वर्क किया जाता है उसे पावर कहते हैं। कहते नहीं कहती, क्या कहते क्या कहते? समझ गए? तो वापस बोल रहा हूं, पूरी ताकत याद करने में जो लगानी है वो फॉर्मूला याद करने में लगानी है, डेफिनेशन याद करने में बिल्कुल ताकत नहीं लगानी, पढ़ना है समझना है अपनी भाषा में, खुद के सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। तो क्या बोलोगे पावर का डेफिनेशन? पावर इज इक्वल टू द वर्क विच इज डन बाय द ऑब्जेक्ट इन वन सेकेंड। क्लियर है? और सुनो, डब्ल्यू कौन है? कोई माइकल आल जो मुझे वर्क की यूनिट बता दे। जूल, मत जाना भूल। टी फॉर टाइम, टाइम की यूनिट, तो पावर की यूनिट आ गई जूल पर सेकेंड। क्लियर है? याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से निकाल लेंगे। इसकी दूसरी यूनिट होती है बच्चों वाट। हाँ, वाट, वाट को हम लोग सिंपल डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं, ठीक है? तो वाट को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं।
उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे यहाँ तक। क्लियर, पावर की जो यूनिट याद रखनी है वाट याद रखनी है, इसे याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और सुनिए, तो पावर का हमने ताजा ताजा फार्मूला पढ़ा है वर्क अपॉन टाइम, लेकिन मैंने बचपन में सुना था डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस था, बोले भैया बटे टी, बोले भैया फोर्स। अब मैं गोला लगा रहा हूं, बताओ ये कौन है, वेलोसिटी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम की जगह वेलोसिटी कॉस थीटा है। कोई माइकल आल जो इसे वेक्टर फॉर्म में लिख ले, तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। बोले बच्चों जब ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं तो एफ बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए आप, एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट तो सिर्फ बता देगा स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये जो मिल रहा है वो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी, तो इसकी चांद पे एरो लगाऊं कि नहीं लगाऊं, क्यों नहीं लगाऊं, ठीक है तो नहीं लगा रहा, समझ गए, क्लियर। तो पावर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स क्वांटिटी, किस आधार पे बोल रहे हो, डॉट प्रोडक्ट के आधार पर, समझ गए, डेफिनेशन बोलो, क्लियर, डेफिनेशन बोलो, ऐसे चांदना खो जाता, डेफिनेशन बोलो का है, वर्क डन, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इन वन सेकेंड इज कॉल्ड पावर, बोल लेंगे इसकी यूनिट बताओ वॉट, डैमेज ऑफ फॉर्मूला भी पूछ रहा है क्या, डैमेज ऑफ नहीं, डैमेज ऑफ निकाल ही देते, कौन को पूछ ही रहा होगा थोड़ी देर बाद, आया 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 नलायक हूं, यहां तक हो गया, पहले इतना ही कर लो, फिर डैमेज ऑफ फॉर्मूला वेल साइड में करेंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, आप लिसन एवरीवन, सब लोग गौर से सुनिएगा, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स सुन रहे हैं आप लोग, लिसन, मुझसे कहा जा रहा है कि मैं पावर का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बताऊं, तो भैया पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चाहो तो कॉस थीटा भी लगा सकता हूं, लेकिन कॉस थीटा कांस्टेंट होता है, उसका कोई यूनिट होता नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, को तो लिख देता हूं, ठीक है तो ना लिख रहा, तो फोर्स, फोर्स का मास इन, क्यों इसे कब तक फोड़ूंगा, हाँ जब तक के सारे फंडामेंटल में कन्वर्ट, फंडामेंटल कितने होते हैं, हाँ याद है ना, ऐसा ही सिस्टम, सेवन फंडामेंटल यूनिट, फोर्स का हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट भैसो की भैसो, टाइम भैसो की भैसो, अब बताओ जहां में फंडामेंटल कौन कौन से हैं, मास फंडामेंटल के में था, टाइम फंडामेंटल में था, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल में था, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं था लेकिन क्या था, लेंथ था, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में नपता है, लेंथ भी मीटर में नपता है, तो फंडामेंटल ही हुआ, एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल में था, नहीं था ये फंडामेंटल में, अच्छा ठीक है, तो मतलब देख रहे हो तुम लोग, ठीक है तो चलो ये एम डी अपॉन टी तो साइड में दे देते हैं यहाँ, ठीक है, जो सबके सब फंडामेंटल है तो इनते बिल्कुल मत छेटो, कायते छेटो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, अब बोलो और कौन सा फंडामेंटल आएगा, टाइम फंडामेंटल आएगा, जो फंडामेंटल है बोल दो, पी बराबर क्या है लाला, एम डी अपॉन टी इंटू टी टी, ये तो पूरा फंडामेंटल है, चलो वेलोसिटी क्या लिख दूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम कैसा है और डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट मीटर में नपता है, मीटर लेंथ होती है, फंडामेंटल है, सब फंडामेंटल है, चलो सब मेंटल है, यूनिट, चलो भैया आओ यूनिट लिखा है, एम मीटर है, मास है, अच्छा ठीक है समझ गया ना, एम मास है, मतलब ये फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन धरी थी, मास की यूनिट बताओ किलोग्राम, डी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, टाइम का और ये भी टाइम सेकंड, पूरा क्या लिख दो, सेकंड क्यूब, तो ऐसे लिख दो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, एस क्यू ऊपर ले जाऊंगा तो काव्य को परेशानी, चाहे लिख दो चाहे लिख दो, बात ही कही है, क्लियर है, कौन आ गया ये, कौन आ गया, चलो डैमेज ऑफ फॉर्मूला बताओ, वो टेबल याद करी थी ना, टेबल में सारे डैमेज ऑफ फॉर्मूला लिखे थे, किलोग्राम का डैमेज ऑफ फॉर्मूला एम, कैपिटल को बोलेगा कैपिटल एम, मीटर का कैपिटल एल, पावर टू है तो टू, सेकंड का टी, कर रहे हैं तो, कौन आ गया ये, कौन आ गया,
काय का? ठीक है तो फिर सुन लो, अब गौर से सुन लो। पावर, पावर के यूनिट्स लिख रहा हूं, एक एसआई सिस्टम में और एक सीजीएस सिस्टम में। कौन से सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। रेडी पे रेडी है, धप्पा नहीं बोलूंगा। एक यूनिट हो गई पावर की वाट, बोले भैया। दूसरी आपकी जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड कहां से आया? तमीज है तुम में इतनी, वर्क अपॉन टाइम से आ गया। और उसके बाद तुमने ये खोल खाल के एक और यूनिट जतान दी है, तो कैसे आई ये यूनिट समझ में आया आपको? तो तीसरी यूनिट हो गई हमारी किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। बोले भैया क्लियर है? अब आ जाओ सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में जूल की जगह क्या हो जाएगा? अर्ग। और सेकंड की जगह? चलो जो हुए बनाओ। किलोग्राम की जगह? मीटर की जगह? स्क्वायर लगाऊं? स्क्वायर लगाना पड़ेगा। नो नहीं, हाँ सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड की। ये कौन से सिस्टम में कन्वर्ट हो गई? तो क्या याद कर करोगे इनको? जहाँ मैं याद करी भाई यूनिट कौन सी है? हाँ वॉट, जैसे वॉट लगेगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कर पाओगे पक्का? हाँ तो ठीक है फिर। अगला क्या डायमेंशन फॉर्मूला ही है क्या पावर का? हैं नहीं, नोट बोर्ड गया तेल लेने। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला होगा कहीं पर, समझ गया ना कैसे निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला? है कहीं कि नहीं है? हाँ तो वहीं कहीं होगा, पढ़ लेना पावर का डायमेंशन फॉर्मूला। अभी देखेंगे ही नहीं, समझाना। कुल मिला के आपको ये ऐसे निकालना आना चाहिए, बाकी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कर लेंगे। आगे बढ़ूं? इसके बाद आपको नोट दिया गया है शायद, है ना? आओ नोट देख लें। इसे नोट कर रहे हो आप लोग? जिसको करना है कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पावर के बाद हमारे को एक नोट दिया है जिसमें कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स पी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम डब्ल्यू अपॉन टी। इसी फॉर्मूले को डिफरेंशियल के फॉर्म में बच्चों हम लोग ऐसे लिखते हैं, पी बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। डी डब्ल्यू इज द चुनचुनिया सो वर्क, डी टी इज द चुनचुनिया सो टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो नजारा ऐसा हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर पंडित जी। क्लियर? डी डब्ल्यू बराबर शट अप पंडित जी, नहीं पी डी टी। डी डब्ल्यू बराबर पी डी टी। मेरे पास डी डब्ल्यू आ रहा हूं, मैं डब्ल्यू चाहिए, मैं कहा करना हूं? तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, कर सकता नहीं कर सकता। और कुछ लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं, तो डरपी ना मत। क्या पता हो ये इंटीग्रेशन काय के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट लगवाऊ टी वन टी टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे इस टाइप के मैंने आपको लिखवाए थे जब इंटीग्रेशन डिफरेंशियल पढ़ाया था, तो मैंने प्रैक्टिस भी करवाई थी इनकी। क्लियर? देखें प्रैक्टिस कितने सकारात्मक भाई है ना भाई। पहले तो नोट है देख लो, फिर बताऊँ तुम्हें। मैं नोट है देखो तुम। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को कुछ एक न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, और उस न्यूमेरिकल को गौर से देखिएगा सभी लोग। वो मुझसे कह रहा है एक मशीन है, दैट मशीन परफॉर्म्स 180 जूल वर्क। तो आप मुझे बता सकते हैं 180 जूल वर्क ये क्या दिया हुआ है? वर्क। वर्क को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? W। समझ गया बबलू? अब वो कह रहा है जो मशीन 180 जूल वर्क परफॉर्म कर रही है, वो 30 सेकंड में परफॉर्म कर रही है, तो बताओ ये क्या दिया है? टाइम। तो कह रहा है कैलकुलेट द पावर ऑफ द मशीन। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? पावर। आपको आपकी जानकारी के बता दूं, दुनिया का सबसे छोटा सवाल यही है। क्लियर? यही वो सवाल है जो पूरी फिजिक्स में साल भर में हमें को समझ में आया है। सही बोल रहा हूं? बोलो पावर का वर्क अपॉन व्हाट इज वर्क? टाइम 0036 18 6 वाट। समझ गए? आप बहुत टिपिकल सवाल है ये। हम में से ऐसा कोई है जिसको ये सवाल भी समझ में नहीं आया हो? है ताई, अगर जीव सवाल समझ में ना नहीं आओ को बात ना, धैर्य रखे अगलो आगो। ठीक है, इसके बाद वो हमसे बोल रहा है, एक साइकिलिस्ट है जो साइकिल चला रहा है और उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है 100 न्यूटन और उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है फ्रिक्शन की वजह से उसे पावर कंज्यूम करनी पड़ रही है। अरे रोड पे फ्रिक्शन होता है तो हमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है, हमारी बॉडी से एनर्जी कंज्यूम होती है। बोलो भैया। तो वगैरह कैलकुलेट द पावर कंज्यूम बाय हिम। क्लियर? तो पावर भैया बिल्कुल देसी पे आ जाए करो। काय पे आ जाए करो? देसी पे। पावर, कोई कितना भी बड़ा चूतिया हो उसको पावर का ये फॉर्मूला जरूर पता होता है, वर्क अपॉन टाइम। सबसे पहला दिमाग में यही आता है और कुछ नहीं आता। यस और नो? तो बस जाइए खोल दो। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
डिस्प्लेसमेंट अबाउट टाइम, वेलोसिटी, चमका दो, फोर्स, 100, वेलोसिटी, दो नहीं दो, दा दा का है कि दा, 100 टू जो, दस है, है दस है, 200 वाट, अच्छे से बोला करो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो ना बचपन से, नोट इट डाउन, ठीक है। तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, जय हिंद।